गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डायरेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग के क्लास को। ठीक है, हमारा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का सेशन चल रहा था दोस्तों, तो आज हम उसी क्लास को, हमारा डेली सेशन आ रहा है ना टाटा स्टील जेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आज हम उसी क्लास को लेकर आए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एम ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इज टू। वैल्यू इंजीनियरिंग का एम क्या होता है दोस्तों, वैल्यू इंजीनियरिंग जो है हमारा, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग का हमारा एम क्या है, वैल्यू इंजीनियरिंग का हमारा एम है टू मिनिमाइज द कॉस्ट विदाउट एक्सचेंज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना विदाउट चेंज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के क्वालिटी को बिना चेंज किए हम उसके कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, ये क्या है, ये हमारा वैल्यू इंजीनियरिंग का एम है। समझ में आया ना, देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, द एम ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के क्वालिटी को बिना चेंज किए हम उसके कॉस्ट को, उसके प्राइस को मिनिमाइज करेंगे, ये क्या हमारा एम है वैल्यू इंजीनियरिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टाइम स्टडी, टाइम स्टडी में जो हमारा रेटिंग फैक्टर रहता है, इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन, रेटिंग फैक्टर जो हम लोग अप्लाई करते हैं उससे क्या निकलता है, इज अप्लाइड टू डिटरमाइन व्हाट, इज अप्लाइड टू डिटरमाइन नॉर्मल टाइम ऑफ अ वर्कर। इन टाइम स्टडी, टाइम स्टडी में जो रेटिंग फैक्टर होता है उसको हम लोग अप्लाई करके क्या डिटरमाइन करते हैं, नॉर्मल टाइम ऑफ अ वर्कर। ठीक है, वर्कर का जो नॉर्मल टाइम है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर, गैंट चार्ट जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं हमारा ये गैंट चार्ट, गैंट चार्ट हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए, ये हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन का शेड्यूल के लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, गैंट चार्ट, चार्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन शेड्यूल। अगला क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक लेआउट, साइंटिफिक लेआउट का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, साइंटिफिक लेआउट जो होता है ना हमारा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्ट क्या है साइंटिफिक लेआउट है ना। चलिए ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या बोल रहा है, साइंटिफिक लेआउट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना जिसका क्वालिटी बहुत बेटर हो, बहुत अच्छा हो। ठीक है, टू यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लोर एरिया, जो फ्लोर एरिया होगा ना उसका मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर लें। ठीक है, एंड टू मिनिमाइज प्रोडक्शन डिले, प्रोडक्शन का जो डिले होता है ना उसको मिनिमाइज करना, ये सब क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक लेआउट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक लेआउट इज टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, to utilize maximum floor area and to minimize production delay. Next, in value engineering the term value referred to, value engineering में जो हमारा term है ना value, उसका क्या मतलब होता है, वो क्या refer करता है दोस्तों, क्या refer करता है हमारा, value engineering का aim क्या था दोस्तों, value engineering का हमारा aim क्या था, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि वैल्यू इंजीनियरिंग का हमारा एम था कि प्रोडक्ट के क्वालिटी को बिना चेंज किए हुए हम उसके कॉस्ट को मिनिमाइज करें। ठीक है, क्या था हमारा कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको चेंज किए बिना हम उसके कॉस्ट को मिनिमाइज करें। ठीक है, अभी मैं पूछ रही हूँ कि जो वैल्यू इंजीनियरिंग है उसमें जो टर्म होता है ना वैल्यू, वो क्या रेफर करता है हमारा, क्या रेफर करता है, इन वैल्यू इंजीनियरिंग द टर्म वैल्यू इज़ रेफर टू द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूटिलिटी, रेफर्स टू द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इन वैल्यू इंजीनियरिंग द टर्म वैल्यू रेफर्स टू यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी, इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी में हमारा द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी इज, इन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी, हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी है उसमें जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या है दोस्तों, वो क्या है हमारा
इन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या है, ऑप्टिमम लॉट साइज साइज, ठीक है, वो क्या है हमारा ऑप्टिमम लॉट साइज। उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी में हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या है, ऑप्टिमम लॉट साइज है। प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्ड, जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर करता है ना टू प्राइम कॉस्ट प्लस, प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या रेफर करता है, प्राइम कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट, और किस चीज़ का टोटल कॉस्ट जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना हमारा वो प्राइम कॉस्ट प्लस क्या हो जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर टू प्राइम कॉस्ट प्लस हमारा क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, ठीक है, क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट जो भी होता है हमारा और उसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस कर देते हैं तो टोटल जो हमारा कॉस्ट होगा वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सिस्टमैटिक जॉब इम्प्रूवमेंट सीक्वेंस विल कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा सिस्टमैटिक जॉब इम्प्रूवमेंट सीक्वेंस होता है ना, सिस्टमैटिक जॉब इम्प्रूवमेंट सीक्वेंस, उसमें क्या क्या रहेगा दोस्तों, वो क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करेगा, सिस्टमैटिक जॉब इम्प्रूवमेंट जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या क्या कंसिस्ट करेगा, वो कंसिस्ट करेगा हमारा मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अ सिस्टमैटिक जॉब इम्प्रूवमेंट सीक्वेंस विल कंसिस्ट ऑफ मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, जॉब एनरिचमेंट। सिस्टमैटिक जॉब इम्प्रूवमेंट सीक्वेंस में क्या क्या रहेगा दोस्तों, हमारा एक पहला तो रहेगा मोशन स्टडी, दूसरा टाइम स्टडी भी रहेगा, तीसरा जॉब एनरिचमेंट भी रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्क सैम्पलिंग इज़ अप्लाइड फॉर, वर्क सैम्पलिंग हम किस लिए अप्लाई करते हैं, वर्क सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग हम किस लिए अप्लाई करते हैं, वर्क सैम्पलिंग इज़ अप्लाइड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन टूल, ठीक है, मशीन टूल का जो हमारा कितना यूटिलाइजेशन हुआ है ना तो उसका एस्टिमेट परसेंटेज के लिए हम वर्क सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या, तो हमारा जो भी वेरियस जॉब एक्टिविटी है ना तो वो कितना टाइम कंज्यूम किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, देखिएगा वर्क सैम्पलिंग हम किस लिए अप्लाई करते हैं, वर्क सैम्पलिंग हम मशीन टूल का मैक्स जो यूटिलाइजेशन होता है ना उसका परसेंटेज एस्टिमेट करने के लिए, कितना हमारा टाइम कंज्यूम किया वेरियस जॉब उसका परसेंटेज को एस्टिमेट करने के लिए, टू फाइंड आउट दी स्टैंडर्ड टाइम स्पेशली वेर इज द जॉब इज़ नॉट रिपीटेडली, एंड जो हमारा टाइम स्टडी है वो टाइम स्टडी बाय स्टॉप वॉच मेथड वेर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा वर्क सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना उसको हम और क्या बोलते हैं दोस्तों, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कहलाता है, हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।